हेलो एवरीवन वन मई सी ए काजल डेरोलिया उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जैसा कि हम सबको पता है कि हमने सी एम फाउंडेशन के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जहां हम स्टडी मटेरियल के सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू एम फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग पर डिस्कशन कर रहे हैं रिलेटेड टू पेपर टू अब पेपर टू की अगर बात करें अकाउंट्स में तो हमने चैप्टर नंबर टू एंड चैप्टर नंबर थ्री पहले ही कंप्लीट कर लिया था और अभी हमारा चैप्टर नंबर वन का डिस्कशन चल रहा था जिसमें हमने ये बताया था कि ओवरऑल सेवन यूनिट्स हैं तो अप टू दैट इज पहली चार यूनिट तो हमने अपलोड कर दी है बेटा अगर उनमें से कोई भी क्लास आपकी मिस हो गई होगी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी आप वो सारी क्लासेस भी कवर कर लो रीजन बीइंग अगर आप अपना मॉक टेस्ट पेपर भी देखो या एग्जाम के पास ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल से ही मिलेंगे इसके अलावा हमने बिट क्वेश्चन की भी क्लासेस अपलोड की हुई हैं एंड बहुत सारे ई बुलेटिन पेपर को भी हमने कवर किया है तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी रीजन बिंग हमने ऑलरेडी प्ले प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सी एम ए फाउंडेशन ऑल सब्जेक्ट के नाम से जहां हमने सारे सब्जेक्ट की क्लासेस अपलोड की हुई है तो चलो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जहां हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का वेन एवर एरर्स आर नोटिस्ट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दे शुड बी रेक्टिफाइड अच्छा इसके अलावा एक और बात बता दें कि हमने टाइप्स ऑफ एरर्स कितने तरह के एरर्स होते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है क्लास में तो उसके लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम नेक्स्ट ईयर एडजस्टमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पी एल एडजस्टमेंट तो उसका भी पूरा कॉन्सेप्ट का क्लास ना हमने अपलोड किया हुआ है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर ये दोनों क्लासेस भी आप कवर कर लेते हो तो एटलीस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका डाउट नहीं रह जाएगा क्लियर तो चलो हमारा पहला क्वेश्चन है वेन एवर एरर्स आर नोटिस्ड इन द काउंटिंग रिकॉर्ड्स दे शुड बी रेक्टिफाइड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस विदाउट वेटिंग द नेक द अकाउंटिंग ईयर टू एंड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट और इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर सिंपली जैसे ही हमें पता चलता है ना कि कहीं ना कहीं एरर है हम ये कोशिश करते हैं कि उसको तुरंत रेक्टिफाई करें हम नेक्स्ट ईयर तक उसको कैरी फॉरवर्ड करने का ट्राई नहीं करते और हम नहीं चाहते कि हम उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करें तो हमें जैसे ही पता चलता है कि कोई एरर है हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको करंट अकाउंटिंग ईयर में रेक्टिफाई कर दें दट इज बी विदाउट वेटिंग द अकाउंटिंग ईयर टू एंड क्लियर नेक्स्ट अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट टाली इफ करेक्ट जर्नल एंट्रीज पोस्टेड टू क्रेडिट परचेज डेबिटेड टू परचेजेस एंड क्रेडिटेड टू कैश 5000 कैश पेड टू क्रेडिटर्स इज डेबिटेड टू क्रेडिटर्स फॉर 500 एंड क्रेडिटेड टू कैश हैज़ 5000 थाउजेंड और नन ऑफ द अब देखो ट्रायल बैलेंस की अगर बात करें तो ट्रायल बैलेंस में आप लोगों को बहुत बार दिक्कत होती है बट होता कुछ नहीं उसमें डेबिट और क्रेडिट बस मैच करना चाहिए तो ट्रायल बैलेंस हमने पहले भी बताया था कि ट्रायल बैलेंस के मैच करने पर सिर्फ अर्थमेटिकल अक्योरसी पता चलती है क्यों क्योंकि अगर बुक में कोई एरर भी है ना बेटा तो वो आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब अगर ये बहुत साइड मैच भी हो जाए तो भी आप नहीं कह सकते कि आपकी बुक्स प्रॉपर मेंटेन्ड है बट अगर टू साइडेड एरर है तो टू साइडेड एरर से हमारा ट्रायल बैलेंस कभी भी अफेक्ट नहीं होता जैसे लिखा है कि एक करेक्ट जर्नल एंट्री दो बार पास हुई तो दो बार डेबिट हुई दो बार क्रेडिट हुई तो क्या इसके बैलेंस में कोई डिफरेंस आएगा नहीं सेकेंड पॉइंट में बोला है कि क्रेडिट परचेज किया था तो नो डाउट एंट्री क्या करनी थी परचेज टू क्रेडिटर बट हमने क्या किया कि परचेज को तो डेबिट किया बट क्रेडिट किसको किया है कैश को तो क्या उससे कोई फर्क पड़ने वाला है एक डेबिट किया एक क्रेडिट किया तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा बट हमने क्रेडिटर को कैश पे किया तो एंट्री क्या करनी थी क्रेडिटर टू कैश बट क्रेडिटर को फाइव डेबिट किया और कैश को फाइव अब देखो यहाँ पर तुमको फाइव दिखेगा और क्रेडिट में कितना दिखेगा फाइव तो यहाँ फोर्टी का डिफरेंस आया ना तो ये फोर्टी का डिफरेंस कहाँ दिखेगा ट्रायल बैलेंस में तो क्या हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा नहीं तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी क्लियर नेक्स्ट सेल्स ऑफ श्याम ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वुड अफेक्ट अगर हमने श्याम को सेल किया है और हमने उसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया तो कायदेस की एंट्री क्या होनी चाहिए थी श्याम अकाउंट डेबिट क्योंकि श्याम क्या हो गया मेरे लिए डेटर टू सेल्स तो बट ऑबियसली किसको अफेक्ट करेगा नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वुड अफेक्ट श्याम अकाउंट सेल्स अकाउंट सेल्स अकाउंट इन श्याम अकाउंट और कैश अकाउंट बट ऑवियसली क्योंकि इन दोनों ही अकाउंट को तो ये अफेक्ट करेगा ना अगर आपने नहीं रिकॉर्ड किया है तो इसका मतलब ये दोनों ही अकाउंट क्या होगा घट करके दिख रहा होगा क्लियर नेक्स्ट एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर अफेक्ट अब देखो हम सबको पता है कि जब हमने लेजर पर डिस्कशन किया तो हमने बताया था कि जो पर्सनल अकाउंट होता है और जो रियल अकाउंट होता है बेटा उसको तो हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं बट नॉमिनल अकाउंट को कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करते तो क्या करते हैं इसका इसको ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में क्लियर तो बट ऑबियस अगर एरर है किस किस अकाउंट में पर्सनल और रियल में तो वही कैरी फॉरवर्ड होगा और जब वो कैरी फॉरवर्ड होगा अनदर ईयर तो वो अगले साल को भी अफेक्ट करेगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए एंड बी दैट इज बोथ ए एंड बी क्लियर नेक्स्ट गुड्स वर्थ रूपीस टू सेवनटी टू रिटर्न बाई लाला पास थ्रू द बुक्स एस सेवन ट्वेंटी टू द रेक्टिफिकेशन एंट्री इज अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि गुड्स कितने का था टू सेवेंटी टू का वो रिटर्न हुआ है बाय लाला मतलब हमने उनको सेल किया होगा तो वो हमें सेल रिटर्न करे तो एंट्री होनी क्या चाहिए थी सेल रिटर्न टू लाला कितने से टू सेवेंटी टू से अब कह रहे हैं एंट्री तो सही पास की गई सेल रिटर्न टू लाला ही किया गया बट सेवन ट्वेंटी टू से किया गया इसका मतलब सेल रिटर्न अकाउंट भी बढ़ के दिख रहा है और लाला अकाउंट भी बढ़ करके दिख रहा है तो हम क्या करें दोनों ही अकाउंट को डिक्रीज कर दें कर देंगे ना तो डिक्रीज कर दें या रिवर्स एंट्री पास करें दैट इज लाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न कितने से फोर फिफ्टी से तो देखो रेक्टिफिकेशन एंट्री में बोला है कि हम लाला को क्या करेंगे डेबिट करेंगे बाय फोर फिफ्टी तो करेक्ट आंसर क्या होगा ए क्लियर है ना ये नेक्स्ट आपको राजेश डेटर से एक पैसा मिला है कितने का दो सौ का तो क्या इस दो सौ को अगर आपने बुक्स में नहीं रिसीव किया तो उससे कोई प्रोफिट अफेक्ट होगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट इसलिए अफेक्ट नहीं होगा बेटा क्योंकि डेटर से जो बैलेंस आता है दैट इज अगर कैश रिसीव हो रहा है से बैलेंस शीट अफेक्ट हो सकती है बट उससे ट्रेडिंग पीएल अफेक्ट नहीं होगा तो जब ट्रेडिंग पीएल अफेक्ट ही नहीं होगा तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा कुछ भी नहीं तो करेक्ट आंसर क्या होगा नाइदर इंक्रीज नॉर अ डिक्रीज रीजन बीजे बैलेंस शीट आइटम है ना कि ट्रेडिंग पीएल आइटम क्लियर नेक्स्ट क्रेडिट परचेज ऑफ रुपीज़ नाइन फिफ्टी सुधीर वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक इज़ 590 नाइनटी द रेक्टिफिकेशन एंट्री इज सिंपली देखो परचेज बुक दिखना कितने का चाहिए था 950 दिख कितने पे रहा है फाइव पे इसका मतलब हमें और बढ़ा करके दिखाना होगा परचेज बुक तो एंट्री हम क्या करेंगे परचेज टू सुधीर कितने से थ्री से क्योंकि घट करके दिख है ना दोनों अकाउंट तो हमने बढ़ा दिया तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या होगा परचेज अकाउंट का हम डेबिट करेंगे बाई थ्री क्लियर नेक्स्ट विच ऑफ़ दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट को कौन सा अफेक्ट करता है एरर्स ऑफ कास्टिंग एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड एरर्स ऑफ पोस्टिंग और ऑल ऑफ़ द थ्री बट ऑविस ऑल ऑफ द थ्री क्योंकि अगर इनमें से आप कोई भी एरर कर रहे हो तो वो सिर्फ एक ही अकाउंट को अफेक्ट करेगा नेक्स्ट इफ़ गुड्स वर सेटीन फिफ्टी रिटर्न टू सप्लायर इज़ रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक एज फिटीन सेवनटी देन देखो हमने सप्लायर को गुड्स रिटर्न किया था तो कायदे से ट्रेडिंग में परचेज रिटर्न कम होना चाहिए था पर हमने गलती से उसको ट्रीट कैसे किया बेटा हमने उसको ट्रीट कैसे किया है? सेल्स रिटर्न की तरह तो खुद सोचो कि ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा इस साइड की चीज़ों से मतलब जो क्रेडिट में चीज़ें हैं अगर वो इंक्रीज होती है तो जीपी इंक्रीज होता है डिक्रीज होती है तो डिक्रीज़ होता है वैसे अगर हम लोग डेबिट की बात करें तो डेबिट के साथ जीपी का कैसा रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन होता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेट क्वेश्चंस में तो अब यहाँ पे देखो सिंपली परचेज रिटर्न बेस अगर माइनस किया है तो इस साइड कर सकते हैं और सेल्स रिटर्न इस साइड कर दे डेबिट में अब देखो अगर हमने परचेज रिटर्न डाला होता तो परचेज रिटर्न से क्या होता क्रेडिट साइड होता है परचेज रिटर्न क्योंकि इस साइड माइनस करो डेबिट में और क्रेडिट में दिखाओ बात तो एक ही है तो अगर क्रेडिट बढ़ता तो जीपी भी बढ़ता बट क्योंकि क्रेडिट घट के दिख रहा है तो जीपी क्या होगा घट जाएगा कितने से सेवन फिफ्टी सेवनटीन फिफ्टी से एंड सेल्स रिटर्न जो कि आप क्रेडिट में माइनस करते हो या डेबिट में भी दिखा सकते हो तो डेबिट के आइटम को बढ़ा के दिखा रहे हो तो जी क्या होगा और घट जाएगा फिफ्टीन से तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा जीपी डिक्रीज करेगा और कितने से डिक्रीज करेगा थ्री थ्री टू जीरो से दैट इज डी क्लियर है बस इतना याद रखना हमेशा कि जीपी का जो रिलेशन होता है डेबिट के आइटम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है और क्रेडिट के आइटम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है तो उसी के बेसिस बेसिसन साइडेड एरर रुपीज फाइव हंड्रेड परचेज ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल तो ये तो पूरी तरीके से आप ओमिट कर गए तो ये तो टू साइडेड एरर है रुपीज फाइव हंड्रेड बींग एक्सपेंस ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्रेडिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अब देखो आपने एक एक्सपेंस किया है कितने का 500 सौ का और उसको गलती से आपने कहाँ क्रेडिट किया अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हैं उसमें टू कैश करना था क्योंकि आपने पेमेंट किया है बट आपने गलती से कहाँ दिखाया है बाई कैश और साफ इसमें ये बोल रहा है कि सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में गलती है कैश अकाउंट में नहीं तो इसका मतलब वन साइड से कौन सा हो गया अभी नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग एरर्स अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस अब अग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस में क्या है मिस्टेक इन बैलेंसिंग एन अकाउंट ओमिटिंग टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन इंटायरली इन द सब्सिडरी बुक तो ये तो टू साइडेड एरर है तो इससे तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा रिकॉर्डिंग ऑफ अ रॉन्ग एंट्री इन द सब्सिडरी बुक इससे भी हो जाएगा क्योंकि आप पूरी की पूरी एंट्री गलत रिकॉर्ड कर रहे हो इसका मतलब डेबिट भी गलत है क्रेडिट भी गलत है तो भी तो ट्रायल बैलेंस मैच करेगा पोस्टिंग एन एंट्री ऑन द करेक्ट साइड बट इन द रॉन्ग अकाउंट उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ट्रायल बैलेंस कब मैच नहीं करेगा जब मिस्टेक होगी इन बैलेंसिंग एन अकाउंट दैट इज ए क्योंकि अगर मान लो आपने सबको प्रॉपर डेबिट क्रेडिट दिया है बट कैश का जो आपने बैलेंस निकाला है ओवरऑल वही गलत निकाल दिया तो उस केस में नो no डाउट ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा क्लियर नेक्स्ट विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट अभी ऊपर बताया था ऑल ऑफ दीस नेक्स्ट विच ऑफ़ दीज एरर्स अफेक्ट टू और मोर अकाउंट दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स को कौन सा अफेट करेगा एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमेशन एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट बट ऑफ इस डी क्योंकि पूरा ओमेशन अगर करें तो डेबिट भी गलत क्रेडिट भी गलत भूल जा रहे तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में भी हमेशा यही होता है कि आप एक रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम की तरह या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट करते हो तो वहां पर भी दो अकाउंट कम से कम आपकी गलत होंगे एंड एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट रॉन्ग अकाउंट में जैसे ए का आपने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया बी में तो ए का भी गलत बी का भी गलत तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ थ्री और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के लिए भी तुम लोग देख सकते हो जैसे एरर्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड है ना तो कैरी फॉरवर्ड में जैसे कैश अकाउंट है अब कैश अकाउंट का लेथ से जो हमारा बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस सीडी वो आ रहा था वन थाउजेंड हम इसको कैरी फॉरवर्ड करें टू थाउजेंड पे तो नो डाउट सिर्फ एक ही एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है ना बेटा साथ ही साथ दूसरा तो कोई अकाउंट अफेक्ट होगा नहीं सिर्फ इस गलती से क्या होगा कैश का अकाउंट अफेक्ट होगा इसलिए इसका आंसर क्या था ऑल ऑफ थ्री क्लियर नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग एर इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल आप देखो तुम लोग पूछोगे कि मैम एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है उसके लिए हमने पहले ही क्लास अपलोड कर दी थी जहाँ पे हमने पूरा टाइप्स ऑफ एरर्स प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है वो क्लास आपके लिए बहुत रेलिवेंट है तो वहां से वो क्लास प्लीज आप लोग कवर कर लेना हम उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे इन शॉर्ट हम यहाँ बता दे रहे हैं कि रेवेन्यू आइटम को कैपिटल या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू की तरह ट्रीट करने को हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑप्शन है फाइव थाउजेंड रिसीव फ्रॉम शाम क्रेडिटेड टू राम शाम और राम इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही क्या होगा दोनों ही डेटर है नेक्स्ट फाइव थाउजेंड इन देखो अगर हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस किया था तो वो न्यू प्लांट में क्या होना था प्लांट में डेबिट होना था दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर था और हमने इसको ट्रीट ट्रीट कैसे किया किया एज एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस इसका मतलब हमने उसको रेवेन्यू आइटम तो हमने कैपिटल को रेवेन्यू आइटम की तरह ट्रीट किया तो यही है एरर ऑफ प्रिंसिपल तो करेक्ट आंसर क्या होगा पी बाकी ऑप्शन हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है एंड लास्ट क्वेश्चन है रुपीज टू हंड्रेड पेड एज वेजेस फॉर इरेक्टिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू हमने मशीन का इरेक्शन कराया है उसके लिए वेजेस पे किया है तो अगर वेजेस बाद में किसी पर्पज से पे करते अगर हम वेजेस नेक्स्ट ईयर पे करते इरेक्शन के लिए पे नहीं करते तब तो वो मेरे लिए रेवेन्यू आइटम होता बट क्योंकि इरेक्शन के लिए पे किया है तो वो मशीन का पार्ट बनेगा और मशीन का पार्ट बनेगा तो वो हम कहाँ डालेंगे बेटा मशीन अकाउंट में डेबिट करेंगे दैट इज कैपिटलाइज करेंगे इस वेजेस अमाउंट को तो करेक्ट तो आंसर होगा बी मशीन अकाउंट क्लियर अब चलो हम लोग फिलंदा ब्लैंक्स पर डिस्कशन कर लेते हैं अन इंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट एन अकाउंट इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन आर नोन एज जब आपका इंटेंशन नहीं होता बेटा अगर इंटेंशन होता तो फ्रॉड बोलते और क्योंकि इंटेंशन नहीं है गलती से हुआ तो उसको एरर बोलते हैं क्लियर गलती बोलते हैं एरर नेक्स्ट इन केस ट्रायल बैलेंस डज नॉट अग्री डिफरेंस इज पुट टू हम सबको पता है कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट हम उसको मैच करा देते हैं और सस्पेंस अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी क्लियर नेक्स्ट इफ एन इफेक्ट ऑफ एन एरर इज कैंसल बाय द इफेक्ट ऑफ सम अदर एरर इट इज़ कॉमनली नोन एज कंपनसेटिंग एरर ये हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी नेक्स्ट द क्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैन भी टेस्टेड पीरियोडिकली बाई प्रिपेयरिंग ऑफ अगर हमें डेबिट ऑफ क्रेडिट इक्वल है या नहीं ये देखना है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस हम बहुत ही ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट एरर देन फ्रॉड फ्रॉड अगर कोई जान बूझ करके कोई गलती कर रहा है या जान बूझ के चोरी कर रहा है तो वो पकड़ना बहुत मुश्किल है कंपेरेटिवली एरर के क्योंकि एरर तो गलती से होता है ना तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो क्लियर नेक्स्ट चेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर दमाउंट स्पेंड ऑन इट्स अगर हम परचेज करेंगे हमने पहले भी बताया है ये चीज कि अगर हम asset purchase करें फिर भले वो फर्स्ट फ्रेश पीस हो चाहे सेकेंड हैंड हो हर केस में उस टाइम जितना भी आपने खर्चा किया है मतलब खरीदने से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो सब हम क्या करते हैं बेटा कैपिटलाइज करते हैं तो कहाँ डेबिट करोगे फर्नीचर अकाउंट में क्लियर नेक्स्ट अ क्रेडिट सेल रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक ट्रायल बैलेंस आपने क्रेडिट सेल किया था गलती से आपने उसको कहां डाल दिया परचेज में मतलब जो चीज आपको क्रेडिट करनी थी आपने गलती से उसको क्या कर दिया डेबिट तो नो no डाउट करेगा ट्रायल बैलेंस को नेक्स्ट गुड सोल टू सेज अकाउंट एज फोर इन द रेक्टीफाइंग एंट्री सेथीज अकाउंट विल भी डेबिटेड विद अब देखो हमने बेचा कितने पे सिक्स फोर्टी का और हमने उसको दिखाया कितना फोर सिक्सटी मतलब घटा के दिखा रहे तो अब 180 से बढ़ा देंगे जैसे ही बढ़ाएंगे तो सीधे सीधे बैलेंस हो जाएगा तो आंसर क्या होगा 180। एट्टी नेक्स्ट कास्टिंग एरर इज एन एरर ऑफ टोटलिंग क्योंकि कास्टिंग मतलब क्या हुआ टोटलिंग एरर कि जब आप टोटल करते हो किसी अकाउंट को वहां आपने गलती करती हो नेक्स्ट गुड सोल्ड टू बिजी एंड कंपनी ऑन क्रेडिट वर्थ रुपीज फोर थाउजेंड व नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बुक्स में हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो अब रिकॉर्ड कर लेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी उधार पे बेचा है ना तो जब हम उधार पे बेचे हैं बेटा तो एंट्री क्या करेंगे बिजी एंड कंपनी टू सेल्स क्लियर तो वही लिखा है कि द रेक्टिफिकेशन एंट्री इज सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बट ऑब डेबि किसको करेंगे बिजी एंड कंपनी को नेक्स्ट ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंसिस एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल एर अभी बताया एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये नेक्स्ट द डिफ्रेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस हमेशा कहाँ जाता है सस्पेंस में एंड नेक्स्ट रुपीज़ टू हंड्रेड रिसीव फ्राम स्मिथ हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ इज अ बैड डेट शुड बी क्रेडिटेड टू इसकी हमने ऑलरेडी एंट्री बताई हुई है कि जब भी बैड डेट रिकवर करते हैं तो एंट्री क्या होती है कैश टू बैड डेट रिकवर्ड दैट इज हम कहाँ क्रेडिट करेंगे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में और इस पर हमने डिटेल डिस्कशन बेटा पहले किया है यूनिट वन में क्या द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन गोपाल अकाउंट वैन गुड्स परचेज परचारोपाल थर्टी सिक्स हंड्रेड बट वी रिकॉर्डेड है सिक्सटी थ्री हंड्रेड तो सिंपली एंट्री क्या होनी चाहिए थी परचेज टू गोपाल कितने से होनी चाहिए थर्टी सिक्स हंड्रेड से हमने गलती से किया कितना है सिक्सटी थ्री हंड्रेड बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है क्वेश्चन में कह रहा है कि गोपाल अकाउंट को कितने से क्रेडिट करना चाहिए था थर्टी सिक्स हंड्रेड से तो so, आंसर होगा थर्टी सिक्स हंड्रेड क्लियर एंड लास्ट रेक्टिफाइड एंट्री इज टू बी पास इन अगर रेक्टिफाइड एंट्री है तो नो no डाउट हम सबको पता है कि जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है क्योंकि कैश बुक में परचेज बुक में सेल्स बुक में परचेज रिटर्न सेल्स बुक ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता ये होता है इन जर्नल प्रॉपर ओपनिंग एंट्री हो क्लोजिंग एंट्री हो रेक्टिफाइंग एंट्री हो एंट्री हो ये सब रिकॉर्ड होती है in proper. Clear? आप चलो ट्रू फॉल्स पर डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन में कह रहा है एरर ऑफ कमीशन परमिट द ट्रायल बैलेंस टू अग्री कमीशन का एरर मतलब होता है जैसे टोटलिंग एरर हो गया या पोस्टिंग एरर हो गया या बैलेंसिंग एरर हो गया तो अभी हमने ऊपर बताया था कि अगर हम लोग बात करते हैं कास्टिंग की या बैलेंसिंग की तो ये क्या है वन साइडेड एरर है और अगर ये वन साइडेड एरर है तो ये कभी भी ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं होने देगा क्लियर नेक्स्ट द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक इज नॉट पोस्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ ओमिशन अगर हमने कैश बुक में जो डिस्काउंट कॉलम है उसको कहीं भी नहीं डाला डाला ही नहीं तो ये क्या है भूल गए आप डालना ओमिशन ही तो है ओमिशन मतलब क्या कि आप पूरी की पूरी एंट्री भूल गए ओमिशन मतलब आप ओमिट कर गए उसको भूल गए डालना तो आंसर क्या होगा ट्रू नेक्स्ट फुल ओमिशन डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस सही है जैसे अगर मान लो एंट्री है कैश टू सेल और आप पूरी की पूरी एंट्री कहीं डालना भूल गए तो क्या होगा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा बट अगर कैश में डाला सेल्स में नहीं डाला तो

और आपने टोटलिंग एरर कहाँ किया है सेल्स अकाउंट में आपने टोटलिंग एरर डेटर में दैट इज ए में नहीं किया है एंड अगर हम लोग बात करें कास्टिंग की दैट इज एरर ऑफ टोटलिंग तो ये वन साइडेड एरर है तो इससे सिर्फ सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा ना कि डेटर अकाउंट तो आंसर क्या हो जाएगा ट्रू क्लियर नेक्स्ट मिस्टेक इन बैलेंसिंग एन अकाउंट विल अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस सही है अभी ऊपर डिस्कस किया था कि अगर हमने अकाउंट के बैलेंस को जैसे अभी हमने बताया था ना अभी हमने एग्जांपल लिया था ना कैश का कि अगर कैश अकाउंट का बैलेंस हमने गलत किया है तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगा नहीं होगा ट्रायल बैलेंस मैच होने में प्रॉब्लम होगी तो आंसर क्या होगा ट्रू अब यहाँ पे देखो लिखा है विल अफेक्ट नेक्स्ट टोटल ऑफ परचेज जर्नल इज शॉर्ट बाय वन थाउजेंड विल नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस अगर परचेज जर्नल कम है एक हजार से तो क्या वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा करेगा क्योंकि सिर्फ परचेज बुक में गलती है ना बेटा तो इसका मतलब डेबिट कम आएगा डेबिट कम आएगा तो ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा तो आंसर क्या होगा फॉल्स क्योंकि अफेक्ट करेगा नेक्स्ट रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ रॉन्ग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विद रॉन्ग अमाउंट विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है इन अ रॉन्ग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब हमने जर्नल एंट्री गलत बुक में डाली है वो भी गलत अमाउंट से तो क्या वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने वाला है नहीं वो नहीं अफेक्ट करेगा क्यों क्योंकि हमने पूरी की पूरी जर्नल एंट्री गलत पास की होगी तो डेबिट भी गलत क्रेडिट भी गलत तो जब दोनों गलत है तो ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा ना बेटा तो आंसर क्या होगा फॉल्स या होना चाहिए था विल नॉट अफेक्ट नेक्स्ट अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग ऑफ अब्सिडरी बुक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन कमीशन मतलब हमने बताया है पोस्टिंग का एरर टोटलिंग का एरर तो इसका मतलब अंडर कास्टिंग मतलब घट के दिख रहा है या बढ़ के दिख रहा है तो ये किस कैसी गलती है एरर ऑफ कमीशन तो आंसर क्या होगा ट्रू नेक्स्ट द मिस्टेक ऑफ ट्रीटिंग अ लाइबिलिटी एज एन इनकम और वाइस वर्सा विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस नो no, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है क्रेडिट इनकम का बैलेंस हमेशा क्या होता है क्रेडिट तो अगर एक लाइबिलिटी को इनकम की तरह दिखाया या इनकम को लाइबिलिटी की तरह दिखाया वैसे अगर बेसिकली बात करें तो ये कैसा एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस कभी भी अफेक्ट नहीं होता है तो आंसर क्या होगा फॉल्स क्योंकि है तो दोनों क्रेडिट ही ना बेटा दोनों का बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट तो अल्टीमेटली आपका करेक्ट दिखेगा तो विल नॉट अफेक्ट होना चाहिए था इसीलिए आंसर क्या है फॉल्स नेक्स्ट रुपीज फाइव हंड्रेड परचेज ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ऑल इज एन वन साइडेड एरर नो इट इज कॉल्ड टू साइडेड एरर तो आंसर क्या होगा फॉल्स एंड लास्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग नेक्स्ट कंपनसेटिंग एरर राइटिंग अ डेबिट आइटम इन द क्रेडिट साइड एंड वाइस वर्सा मतलब कंपनसेटिंग एरर मतलब क्या होता है कि ए का बैलेंस बी में दिखा दिया या बी का बैलेंस ए में दिखा दिया या डेबिट को क्रेडिट में दिखा दिया क्रेडिट को डेबिट में दिखा दिया तो ये क्या होगा राइटिंग अ डेबिट आइटम ऑन द क्रेडिट साइड एंड वाइस वर्सा नेक्स्ट एरर ऑफ ओमिशन एरर ऑफ ओमिशन मतलब भूल गए दैट इज नॉट रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब रेवेन्यू आइटम को कैपिटल आइटम की तरह दिखाया एरर ऑफ कमीशन जहां गलती होती है टोटलिंग की कास्टिंग टोटलिंग की बैलेंसिंग की एंड एरर ऑफ ओमिशन एरर्स विच आर नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस से आपको कभी भी नहीं पता चलेगा रीजन बींग अगर फुल ओमिशन है तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी एंट्री आप भूल गए क्लियर नेक्स्ट क्लारिकल एरर्स क्लैरिकल एरर्स की बात करें तो एरर्स रेज ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड ओवर लुक मतलब जो छोटी मोटी आपसे गलती होती है आपने अनदेखा कर दिया उसको हम कहते हैं क्लैरिकल एरर्स एरर इज मेड इन कैरी फॉरवर्ड अगर कैरी फॉरवर्ड का एरर है तो सिंपली वो कैसा एरर है एरर विच आर डिसक्लोज बाय ट्रायल बैलेंस अगर हमने कैरी फॉरवर्ड में अभी हमने बताया था ना बैलेंसिंग में अगर हम कोई भी एरर कर रहे हैं तो उसे ट्रायल बैलेंस कभी भी मैच नहीं करेगा बल्कि अफेक्ट करेगा और ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं एरर ऑफ कमीशन तो वो ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज हो जाएगा नेक्स्ट एरर ऑफ कमीशन अब एरर ऑफ कमीशन देखो लिखा इफ द एंट्री इज रिकॉर्डेड ट्वाइस दो बार भी अगर हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको भी हम क्या कहते हैं एरर ऑफ कमीशन एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब हम बताए थे जहां रेवेन्यू को कैपिटल कैपिटल को रेवेन्यू की तरह ट्रीट करते तो ये कभी भी ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलता दैट इज एर विच आर न डिसक्लोज बाई ट्रायल बैलेंस एंड लास्ट इज एर ऑफ ओमिशन ऑल द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड पार्टली क्योंकि ओमिशन दो तरह का होता है एक होता है फुल ओमिशन एक होता है पार्शल ओमिशन तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है रिलेटेड टू पार्शियल ओमिशन क्लियर ये सारी चीज़ें ना हमने डिटेल डिस्कशन की थी टाइप्स ऑफ एरर में इसलिए हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाए हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वो क्लास आप वहाँ से कवर कर लेना क्लियर अच्छा आज की अगर क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कॉमेंट करना और नेक्स्ट क्लास में हम बी आर डील करेंगे जो कि मेरा पेपर टू दैट इज अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर है उसके बाद ना हम पेपर टू में कॉस्ट का क्योंकि एक सिंगल चैप्टर है उस पर भी डिस्कशन करके पूरा पेपर टू खत्म करेंगे अब जैसे ही मेरा पेपर टू खत्म हो जाएगा ना हम स्टार्ट कर देंगे स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स जो बेसिकली मेरे सब्जेक्ट्स हैं हम उन पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और उन उनपे भी डिस्कशन किसका होगा मैथ का ही होगा स्टडी मटेरियल का क्लियर एंड स्टडी मटेरियल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी क्वेश्चन कर लो बट अगर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नहीं किए तो एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी आपको अगर प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो तो अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करना और आपको सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच